कानपुर आज गैंजिस क्लब में है इनर व्हील कानपुर एंजल और किसेट अपना स्थापन समारोह संयुक्त रूप से गैंजिस क्लब कानपुर में बुलकम में धाम से संपन्न किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि श्रीमती नीता जैन पूर्व प्रचार कॉलेज कानपुर तथा गेस्ट ऑफ ऑनर श्रीमती अनीता शर्मा शो डिस्ट्रिक्ट 311 का स्वागत श्रीमती मीनू कन्ना और नीलू कोहली ने किया। दोनों क्लबों के सचिव सत्ता बदलोर किन्नर रस्तोगी ने भी वार्षिक कार्यों की व्याख्या की। हमारे क्लब ने जुलाई माह के पौधारोपण बच्चों को स्टेशनरी तथा आउटडोर गेम दिए। अगस्त में हम वृद्धा आश्रम में भोजन देने की योजना बना रहे हैं तथा स्कूल में बच्चों के प्रदूषण के बारे में कार्यशाला का आयोजन कराकर जागरूक करेंगे। प्राथमिक विद्यालय पांडुनगर हैप्पी स्कूल बनाएंगे। मंच संचालन अलका मित्र थैंक्स ऑफ टू यू श्वेता व्यंजन ने किया। लाइव टीवी न्यूज के लिए कैमरामैन दीपक के साथ जितेंद्र माथुर की रिपोर्ट। आज हमारे दो क्लब इनरवी क्लब ऑफ कानपुर क्रिसेंट एंड इनरवी क्लब ऑफ कानपुर एंजल का अधिष्ठापन समारोह है, जिसमें साबिहा क्रिसेंट की प्रेसिडेंट बनी है और कुसुम अग्रवाल एंजल क्लब की प्रेसिडेंट बनी है। उन्होंने शपथ ली है। इस बार की जो हमारी थीम है एम्पावर एंड इवॉल्व, तो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं की समस्याओं का समाधान के लिए और उनको सपोर्ट करने के लिए बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ आंदोलन, ये सारा हमारा एम है इस साल का। और काफ़ी सारे सरकारी स्कूलों को हम अपनी फैसिलिटीज़ देंगे ताकि वहाँ बच्चे आना शुरू करें और हैप्पी स्कूल बन सके और बच्चे वहाँ आकर खुश हों। इन सारे इसमें हमारा वाटर हार्वेस्टिंग पे भी काम होता है और भी जितने भी परिवार की समाज की समस्याएं हैं, परिवार की समस्याएं हैं, उन सब में हम सरकार को भी सहयोग करेंगे। जैसे पॉलीथिन बैन हुआ है, तब से हमारी संस्था ने कई रैली निकाल कर जागरूकता स्कूलों में की है कि ये तो पॉलीथिन नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। इसी तरीके से हम लोग समाज का सुधार करने की कोशिश। क्रिसेंट के प्रेसिडेंट हैं और ये सेक्रेटरी हैं गीता नारायण सबिया रहमान। और हम लोग का इस साल का एजेंडा है कि जो चाइल्ड अब्यूज हो रहा है, जो बच्चों को और जो परेशानियाँ हो रही घरों में बाहर बच्चों को, इस तरह से इससे बचाना है, उसके लिए हम लोग इस साल 2018-19 में ये काम करना चाहते हैं ताकि उनको किसी तरह से हेल्प मिले, चाहे वो अपने घर के अंदर हो, चाहे वो बीमार हो, चाहे वो कोई अनाथालय में, हमें जाके उनको हर तरीके से मदद करना, ये हमारा ध्यान है इस साल का। थैंक यू।